हेलो दोस्तों, मेरा नाम आयुष सिंह है। स्वागत है आपका हमारे न्यू चैनल में। ये चैनल मैंने बहुत समय पहले ही बनाया था, लेकिन वीडियो आज से डालना स्टार्ट किया हूँ। इस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आएंगी, या फिर लाइफ को कैसे जीना है, जो भी इससे रिलेटेड जो भी चीज़ होंगे, आधार कार्ड या पैन कार्ड या कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी सारे ऐप्स हैं, इनके बारे में वीडियो यहाँ पे आने वाली हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन दबा दीजिए, इससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि हमको गूगल अकाउंट बनाना है, गूगल अकाउंट बनाना है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता है गूगल अकाउंट कहते किसके हों। तो आपको मैं बता देता हूँ, जो जीमेल होता है उसको ही हम गूगल अकाउंट कहते हैं। तो उसको बनाना कैसे है मैं आपको चलिए बताना सिखा रहा हूँ। वो आप दो तरीके से बना सकते हो, एक तो सिंपल है, एक और भी सिंपल है। तो मैं उसके लिए आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलता हूँ, आप वहाँ पर स्टेप बाई स्टेप समझ लीजिएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट नीचे करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाला हूँ। मैं आपको दो तरीका बताने वाला हूँ, एक तो लैपटॉप से कैसे गूगल अकाउंट बनाना है और दूसरा मोबाइल से कैसे गूगल अकाउंट बनाना है। दोनों ही बहुत सिंपल तरीका है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, चाहे तो ये कर लो चाहे तो क्रोम ब्राउजर ओपन कर लो। हम यहाँ से अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है गूगल अकाउंट। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो, मैंने यहाँ पे गूगल अकाउंट टाइप कर लिया है। गूगल अकाउंट टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गूगल अकाउंट खोलोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। जैसे आप सबसे ऊपर देख सकते हो गूगल अकाउंट लिखा हुआ है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप यहाँ पे नीचे देखोगे, यहाँ पे क्रिएट ए गूगल अकाउंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको ये थोड़ा अंदर ले जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा क्रिएट ए गूगल अकाउंट, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा अपना गूगल खाता बनाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका नाम और आपका उपनाम। तो यहाँ पे नाम अपना कुछ भी टाइप कर सकते हो, जो भी आपका नाम है। यहाँ पे अपना नाम लिख देना है और यहाँ पे अपना उपनाम लिख देना है, तो सरनेम होता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो उपयोगकर्ता नाम, मतलब आपकी जो ईमेल आईडी होगी वो कैसी ईमेल आईडी रहेगी। तो चलिए हम अपना एक कोई ईमेल आईडी चूज कर लेते हैं। तो देखते हैं वो ईमेल आईडी हमारे पास रहती है कि नहीं। मैं कोई भी एक ईमेल आईडी एक तरह से ले लेता हूँ, फिर और मैं इसको यहाँ पे इंटर करता हूँ, देखता हूँ ये ईमेल आईडी है कि नहीं। शायद ईमेल आईडी हो गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे भी कोई आप अपने हिसाब से ईमेल आईडी बना सकते हैं। अगर नहीं मिलता तो इसके बजाय मेरे अभी वाले ईमेल पता का उपयोग करें, मतलब ये गूगल आप खुद बता देगा कि आप इस ईमेल को ले सकते हैं। यहाँ पे हम नीचे देखोगे तो रेड कलर का दिख रहा होगा एक तरह से। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड अपना करना है और यहाँ पे पुष्टि करें, तो मतलब डबल पासवर्ड आपको लिखना है। यहाँ पे आप करोगे तो ये दिखने भी लगेगा पासवर्ड। तो आप अपने पासवर्ड के लिए 8 या उससे ज्यादा वर्णों का प्रयोग करें, मतलब आपको 8 अंकों का पासवर्ड लिखना है। मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि इस पासवर्ड में करना क्या है। आपको एक कैपिटल लेटर लिखना है और एक स्मॉल लेटर, और इसमें एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल वर्ड होना चाहिए। स्पेशल वर्ड कहे तो जैसे स्टार या हैच या परसेंटेज या फिर एड्रेस, जैसे होता है, जैसे ये रहा ऊपर आप देख सकते हो जीमेल के आगे जो लगा रहता है। तो आपको एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर लेना है। तो चलिए अपना पासवर्ड बना लेते हैं। आपको पासवर्ड बहुत अच्छे से बनाना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि गूगल से ही हमारा सब कुछ रहता है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पासवर्ड थोड़ा आप हार्ड बनाएं, जितना हार्ड बना सकते हैं। तो पासवर्ड मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो इसके बाद आप यहाँ नीचे देखोगे तो यहाँ पे आगे बढ़ने का आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा ये आगे जाएगा, यहाँ पे हमारा ये नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उपलब्ध है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप इसको ले सकते हो या फिर आप यहाँ पे कोई और ले सकते हो। चलिए हम गूगल जो बता रहा है हम उसी को ले लेते हैं। फिर आप आगे के बटन पे क्लिक कर दीजिए, आप अपने हिसाब से कुछ बना लीजिएगा। थोड़ा सा अजीब लेना है, ऐसा ईमेल आईडी लेना है जो कोई ना लिया हो। मैंने जो ईमेल आईडी लिखा था शायद वो किसी ने ले लिया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो फोन नंबर मांगा जा रहा है, वो भी वैकल्पिक है। आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। खाता वापस पाने के लिए ईमेल पता वैकल्पिक है। मान लीजिए आपका कभी पासवर्ड गुम हो जाता है या आप अपना ईमेल भूल जाते हैं, तो आप अपना किस ईमेल के जरिए रिकवर कर सकते हैं उसके लिए बताया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आपको नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पे डीओबी मांगा जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ में अपना कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो मैं यहाँ पे, मेरा 7 मई 2001 है, तो मैं 7 मई 2001 लिख देता हूँ।
यहाँ पे आपका जन्मदिन हो गया, फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप क्या हो, पुरुष हो कि महिला हो, तो मैं यहाँ पे पुरुष पे क्लिक कर देता हूँ, फिर यहाँ पे मैं आगे बढ़े पे क्लिक कर देता हूँ। आप नंबर दे भी सकते हो, नंबर देने में फायदा ये है कि आप अगर कभी पासवर्ड भूलते हो तो उसके लिए रिकवर के लिए सही रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके नियम और शर्तें हैं, तो नियम और शर्तें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो उसके बाद मैं सहमत हूँ पे क्लिक कर देता हूँ। अगर इंग्लिश रहेगा तो आई एग्री भी लिखा रहेगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। लैंग्वेज अपने हिसाब से देख सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट हो रहा है क्योंकि नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, क्योंकि मैं पीसी में आपको बता रहा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम होती है पीसी में, आपको पता ही होगा। तो जैसा आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट बन गया, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वेलकम आयुष सिंह। यहाँ पे हम मेरी सारी अकाउंट बन गए हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं अपना जीमेल भी ओपन कर सकता हूँ, मेरा गूगल अकाउंट यहाँ पे बन के तैयार हो गया, गूगल अकाउंट में सब कुछ मेरा यहाँ पे है। अब यहाँ से टाइप करके देख सकते हो, गूगल अकाउंट में देख सकते हो मेरा सब कुछ आ जाता है, कॉन्टैक्ट, ड्राइव, न्यूज, प्ले स्टोर, यूट्यूब, जीमेल, कैलेंडर, ट्रांसलेटर, इतने भी गूगल की चीज मैं इस अकाउंट से ओपन कर सकता हूँ। तो मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूँ, दूसरा तरीका मोबाइल से बताने वाला हूँ, तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं हम। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बताने वाला हूँ। एक तो आप पहले क्रोम ब्राउज़र से ओपन कर सकते हो, जैसे सेम टू सेम मैंने लैपटॉप में बताया था, लेकिन मैं आपको कुछ अलग बताने वाला हूँ जो शायद ही कोई बताता होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे YouTube देख रहे होंगे, YouTube पे आपको क्लिक कर लेना है। YouTube पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आप ऊपर के आइकन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर साइड में सबसे ऊपर राइट साइड में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप जैसे देखोगे तो आपको यहाँ पर ऐसे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपका प्लस का ऑप्शन आ रहा होगा, प्लस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो चेक इन इन्फॉर्मेशन रहेगा, आपका पासवर्ड मांगा जाएगा, जो भी आपका मोबाइल का पासवर्ड है। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन को चेकिंग कर रहा है, फिर उसके बाद आपको एक इंटरफेस बना हुआ दिख जाएगा। थोड़ा वेट लग रहा है, नेट प्रॉब्लम है यहाँ पे। आप चाहो तो लैपटॉप से भी बना सकते हो, अगर आपके पास लैपटॉप है, अगर आपके पास फ़ोन है तो फ़ोन से भी बना सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ नीचे देखोगे लेफ्ट साइड में, तो नीचे सबसे यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन पूछा जा रहा है, माई सेल्फ या खुद के लिए बनाना है या फिर बिजनेस अकाउंट बनाना है। तो आप यहाँ पे माई सेल्फ के लिए क्लिक करोगे, माई सेल्फ के लिए क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से नाम मांगा जा रहा है, तो आप अपना नाम लिख दीजिए, आपका जो भी नाम है। तो मैं अपना नाम आयुष सिंह यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेम टू सेम जैसा कि मैंने लैपटॉप में बताया था, वैसे ही आपको यहाँ मांगा जा रहा है, बस यहाँ पे वो फ़ोन नंबर इत्यादि चीज़ें नहीं मांगी जा रही है। तो आपको यहाँ पे अपना DOB लिखना है, जैसे कि मेरा 7 मई 2001 है, तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे टाइप करके, जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे वहाँ पे मांगा गया था, सेम टू सेम यहाँ पे भी आपसे एक ईमेल आईडी मांगी जा रही है, तो मैं अपना एक ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप करके छोड़ देता हूँ, एक ईमेल आईडी लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे AYUSINGH 123123 @gmail.com पे टाइप करके मैं नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे कि मैंने ये कर लिया, यहाँ पे फिर सेम टू सेम आपको जैसे गूगल मैंने आपको बताया था ना, क्रोम ब्राउज़र में जैसे आप पासवर्ड मांगा गया था, सेम टू सेम यहाँ भी आपको वही पासवर्ड डालना है। तो चलिए मैं अपना पासवर्ड डाल के आगे पे क्लिक करता हूँ, मैं पासवर्ड लिख लेता हूँ अपना। दोस्तों, मैंने पासवर्ड अपना लिख लिया, पासवर्ड वही लिखना जो मैंने आपको लैपटॉप में बताया था, स्पेशल कैरेक्टर सब कुछ वही लिखना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको नंबर लिखने के लिए बोल रहा है। आप अगर नंबर लिखते हो, जैसा मैंने बताया था नंबर लिखना है, तो आप लिख सकते हो, नहीं तो YES I AM IN यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको। अब यहाँ से अगर आप मोबाइल से बनाते हो YouTube पे जाके, तो सिर्फ आपको 2 मिनट लगता है। आप ऊपर देख सकते हो मेरा अकाउंट बन के तैयार हो गया है, रिव्यू योर अकाउंट, आपको रिव्यू योर अकाउंट करने के लिए बोल रहा है। तो आप नेक्स्ट पे यहाँ नीचे क्लिक कर देना, आपको यहाँ पे बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन, जैसे यू वहाँ पे लैपटॉप में आया था सेम टू सेम, वैसे यहाँ पे भी आ गया, आई एग्री पे क्लिक करना है। आप अगर मोबाइल से बनाते हो तो आप YouTube से, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल, कोई झंझट नहीं है, 2 मिनट में अकाउंट आपका तैयार हो जाएगा। आप तेज़ हो बनाने में तो एक एक मिनट में बना सकते हो। तो आई एग्री पे मैंने जैसे क्लिक कर दिया था, जैसे वहाँ पे लिखा था मैं सहमत हूँ, मैंने बताया था ना आई एग्री, तो चेक इन इन्फॉर्मेशन हो रहा है, आपका अकाउंट चेकिंग किया जा रहा है, उसके बाद आपका अकाउंट बन के तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आप अपना जीमेल अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पे गूगल सर्विस देख रहे होंगे, सब कुछ एक्टिवेट हो गया है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ी देर में मेरा अकाउंट बन के तैयार हो जाएगा, यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। दोस्तों, इस तरीके से आप अपना एक गूगल अकाउंट बना सकते हैं, उसको जीमेल ही बोलते हैं, क्योंकि जीमेल जो है गूगल का ही है। आप कहीं पे भी देखते हो तो वहाँ पे आपका गूगल अकाउंट मांगा जाता है, तो अपना आप जीमेल नहीं दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना जीमेल अकाउंट बना सकते हैं, गूगल अकाउंट भी इसको कहते हैं, सेम दोनों एक ही चीज़ है। तो अगर वीडियो से कोई प्रॉब्लम है वीडियो में, तो आप हमें कमेंट करें, उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर कुछ आपका जीमेल अकाउंट नहीं बन रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है,
तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर कमेंट में है, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे।